हेलो भाई, मैं उन पवार। अभी मेरे को निकलना था एक अर्जेंट जगह, तो मेरे को याद आया कि या तो है नहीं, पापा लेके गई है उसको सुबह सुबह ही, और बलेनो खड़ी हुई है घर में, तो उसको लेके आते हैं। फिर याद आया, अरे स्टाइल वाले ने तो ये सब कुछ खड़ा कर रखा है, तो वो निकल नहीं सकती। तो बताओ भाई, दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर भी बंदे को ऐसे बाइक से इतना दूर ट्रैवल करना पड़े, यही किस्मत है भाई। बलेनो की किस्मत में ही नहीं है अरुण पवार उसको चलाए। ऐसी बात ना है भाई, चला लेते हैं उसको भी कभी कभी ना। अब मैं जा कहाँ पे रहूँ, मैं जा रहा हूँ मारुति वालों से मिलने। अब वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले बुक करवाई थी मारुति की ब्रेजा। अभी श्राद्ध जैसा कि पता है खत्म हो चुके हैं और आ चुके नवरात्र, तो अब चाहिए गाड़ी। तो अभी क्या सीन है वो बताते हैं। अभी जो ब्रेजा की बात चल रही थी ना रिप्लेसमेंट से, वो इस गाड़ी से चल रही थी। ये मारुति स्विफ्ट है, 8-1 साल हो गए इसको, आज ही परफेक्टली भाग रही है। मतलब इसके इंजन परफॉर्मेंस की आप बात करोगे, जो इसका एक्सेलरेशन है वो एकदम जबरदस्त है, जिसमें 1240 cc का डीजल इंजन आया करता था, अभी तो डिसकंटिन्यू हो चुका है। लेकिन इसकी हालत ऐसे मेंटेन नहीं करेगी। गियर नॉब आप देखोगे या फिर की वगैरह आप देखोगे, सब तोड़ रखा है इसका, अलाइनमेंट नहीं, बैलेंसिंग नहीं है, इसे बबल कर रही है गाड़ी एकदम पूरी। तो इसी का रिप्लेसमेंट चाहते थे उससे, जो ब्रेजा से। तो ये आ गए हम मारुति के शोरूम में और वही ब्रेजा में आके बैठ गए। तो अभी भाई जो हमारे हैं अजीत भाई, इनकी बात हुई थी इनसे फोन पे, तो क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे हैं भाई गाड़ी है नहीं अभी हमारे पास, जब गाड़ी मिलेगी, जब वो मिलेगी आपको। मतलब वही यार, टाइम नहीं है कि हम कब गाड़ी कितने दिन में दें, महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है। और उस दिन हमने कब बुक करवाई थी? 20 तारीख को कराई थी बुक भाई। जब 20 तारीख को बुक करवाई थी उस दिन तो अवेलेबल थी ना, हैंड टू हैंड उस टाइम तो कह रहे कोई दिक्कत ना, आप ले जाना 7 तारीख को और श्राद्ध में ले जाना, मतलब ऐसे कहते उस दिन ले जाओ बेशक से श्राद्ध वाले दिन। अब भाई श्राद्ध खत्म हुए, नवरात्र है, अभी तो हम गाड़ी लेंगे। हम गाड़ी लेने का है, हमारा फाइनेंस भी होगा, सब चीज होगी गाड़ी की, सेट पे पैसे भी मिलने जमा कर देते हैं, चेक लेने के लिए आए हम कि हमें कल गाड़ी चाहिए। और भाई ये ऐसे है, मतलब मारुति वाले हम शोरूम में आ गए, आ ही नहीं रहा कोई, जो हमारा सेल्समैन था दूर दूर भाग रहा है, दूर भाग रहे हैं। देखो मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो दूर दूर भाग रहा है, आ ही नहीं रहा पास भी, और एक भी नहीं आ रहा। ये सर्विस है बताओ मारुति की, ये कस्टमर उनका अटेंडेंस होता है, कोई मतलब ही नहीं उनको। कस्टमर आ रखा है उससे मिलके कि भाई क्या है गाड़ी का स्टेटस, हमको कल गाड़ी चाहिए, लोन वोन सब अप्रूव्ड है, पर इनको पास कोई जवाब ही नहीं है। ये सामान भी ज्यादा, ये पूरी वो हो जाएगी। क्या मतलब होता है बुकिंग का? प्रदीप मैं फाइल मंगवा था, आप फोटो भेजो ना, प्रॉपर बनाओ। ये प्रॉपर भेजूंगा, लिख के दे रही है। अच्छा लिख के भी दी थी, चलो मंगवाओ एक बार, चीज दे रही है फाइल मंगवाओ, ठीक मंगवाओ। अगर आपको प्रॉपर में चल, हम भी प्रॉपर में चलते, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी हम गए मारुति के शोरूम में भाई, इनका मैं सीन बताता हूँ, वही जो मेरे को पूरा लग रहा था वही सीन हुआ इनके शोरूम में, तभी आने का मेरा मन नहीं करता। इतना बैड बिहेवियर, इतना बकवास इनका सीन होता है ना, इनका बात करने का मन तक भी नहीं करता भाई। बोल रहा है कि भाई गाड़ी नहीं है, वो कह रहा है कि कुछ कर लो, मतलब अब तुम अब ना करवानी है, लेनी है ले लो, ना तो कोई बात ना है वही ना। इसने जब 8-30 का कोटेशन दे दिया था, अभी को कोई ऐसा कस्टमर मिल गया होगा जो बेसिक किट भी ले रहा होगा, वारंटी भी ले रहा होगा, क्योंकि पागल बनने वालों की कमी नहीं है इंडिया में। और मारू मतलब बस उनको गाड़ी चाहिए होती है एक्साइटमेंट में, तो उसको कोई कस्टमर मिल गया होगा और उसने दे दी होगी उसको भाई। मतलब यार बेसिक कंपनीज का देखो एक चीज़ बताओ, ये सब ही ऐसा करती हैं सारी कंपनीज। ये मतलब क्या होता है बुकिंग लेने का, मतलब बुकिंग का मतलब क्या होता है भाई, एक मतलब कॉमन सेंस की बात बताओ यार। बुकिंग का ये तो मतलब होता है कि हमने रोक दिया भाई गाड़ी, अब हमको ही लेनी है, अगर तुम्हारे पास कोई गाड़ी खड़ी है तो उस टाइम पे हम ले लेंगे। हम तब भी ले लेते लेकिन भाई तब कनागत चल रहे थे, हिंदूज में नहीं लेते तब उस टाइम गाड़ी। हम नवरात्रि चल गए तो प्राइस भी बढ़ गया, क्यों? उस टाइम तो 10-15 हज़ार का डिस्काउंट, और अपने एंड से भी दे रहे थे 5 हज़ार का डिस्काउंट, और अपने एंड से कोई डिस्काउंट दे वो तो भूल ही जाओ। और जो बात करने का तरीका वो तो वाहियात एकदम ही। तो इसलिए मारुति तो भाई दिमाग खराब करवा के आ चुके हैं इसमें से। ये हमने इससे बोल दिया है 2-3 दिन में गाड़ी ऐसा है तुम्हारे पास, तुमको पता है ट्रांजिट में आ रही है तो तुम बता देना, गाड़ी हमको दे देना। ये होते ग्राउंड रियलिटी भाई यार, मतलब कोई कितने ट्रोल करता रहे मारुति को बैठा बैठा कि गाड़ी उनकी ऐसी, लेकिन देख लो ना ग्राउंड लेवल पे आके कितनी सेल होती है और कैसे बिहेव करते हैं कस्टमर्स के साथ। यही है भाई मारुति घटिया है एकदम, या डीलरशिप कह लो, मतलब ये डीलरशिप तो इतनी बड़ी है, इसकी तो इतनी रेप्यूटेशन भी है, पास्को वाली जो अलीपुर में पड़ती है, इसके ये हाल है। फिर छोटियों से तो क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, उन पे तो आती 2-4 गाड़ी गिनती की, तो वो तो देती नहीं। खैर अभी प्लान बन रहा है कि मैं तो हमेशा से ही अर्बन क्रूजर
पे रहता है मेरा दिमाग तो, मतलब अगर किसी को ब्रेजा लेनी तो उससे अच्छा अर्बन क्रूजर लो ना, टोयोटा का एक मस्त नाम मिलता है, टैग मिलता है, ऊपर से सर्विस में अब जाते हो तो एकदम बढ़िया वाला ट्रीटमेंट मिलता है और ओवरऑल गाड़ी सेम ही है। तो अभी इन्होंने क्या प्लान बनाया, इनके पास VXi खड़ा था, VXi तो VXi में क्या दिक्कत थी कि भाई फिर VXi अगर हम लेते हैं तो उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह दे नहीं रहे, तो वो 10 लाख की प्लस पड़ रही है, और अगर हम VXi लेंगे तो इससे अच्छा अर्बन क्रूजर ना लेंगे। अर्बन क्रूजर में क्या दिक्कत थी, पहले मैंने इसलिए इनको सजेस्ट नहीं करा क्योंकि उसमें बेस मॉडल आता ही नहीं, उनकी स्टार्टिंग VXi से होती है, मतलब उनका मिड प्रीमियम और ऐसे करके वेरियंट्स आते हैं, तो इसलिए अब उसको ही देखने चलते हैं गुड़गांव, देखते हैं उसका क्या रेट पड़ता है, फिर वही गाड़ी ले लेंगे यार। अब मारुति का तो नाम देख लिया ना, देख लिया ना गंदा हुआ इनको, बहुत गंदा भाई, मतलब ऐसे बात करे जैसे एहसान कर रहा हो हम पे गाड़ी देख, लाल टाइम ये भाई ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, गाड़ी तो है नहीं इनके पास इतनी। हाँ, ये नवरात्रों का फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है, ये मक्खी मारते पाते हैं जब कभी ऑफ सीजन आओ ना इनके पास। अब जब कनागा तो में हम आए थे देख कैसे कितना डिस्काउंट दिया, और कह रहा एंड टू एंड गाड़ी ले जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है, गाड़ी अवेलेबल है हमारे पास। और अब तो VXi में बोल रहा है कि बेसिक किट लेनी पड़ेगी, और अलॉय व्हील जब पहले 20-22 हज़ार के बताए थे अब 27-29 हज़ार के हो गए, 27 हज़ार के। अबे जाते जाते हाथ पीले मार गए क्योंकि गाड़ी लॉक ही नहीं हो रही भाई। ऐसे काहे काम कर रहा, जिसमें कंपनी से इंटरलॉकिंग आती है पर काम ही ना कर रहा, बिल्कुल काम नहीं कर रहा भाई, ये बिल्कुल चाह रही है कि आज रिप्लेसमेंट चाहिए इसको, ऐसे होएगी ना, ऐसे होएगी ना, दिखा ना दिखाओ, तो चाबी तय जाएगी ना हो रही चाबी, ये होता है भाई जब टाइम आता है किसी का। ये है टोयोटा का शोरूम, चलते हैं। अभी भाई पटाने लग रहे हैं कि टॉप मॉडल ले ही लें तो ले ही लें, क्योंकि टॉप का मजा टॉप का ही रहता है यार, सारे फीचर होते हैं उसमें, ये रहे ना उसमें हम ये देती है। लेकिन इनका देखना भाई शोरूम एकदम से ही खाली पड़ा है, ये तो गुड़गांव जैसे शहर का हाल है, एकदम खाली, कोई एक भी कस्टमर नहीं है, और मारुति के में चले जाओ क्या हाल रहता है, बड़ा जबरदस्त देखे नहीं ढंग से बात ही ना करे। टो मॉडल वाइट मिल जाएगी, ये वाला फोन टो मॉडल ये वाला क्या आगे भाई, हम वहाँ से वहाँ पे क्या 11,40,000 की दे रहे थे टॉप मॉडल को, बाकी और भी इनके पास अवेलेबल ही नहीं था, और उस पर 30,000 का डिस्काउंट बोल रहे थे, लेकिन एक और टोयोटा वाले का फोन आया अगर मैं और सस्ती दे दूंगा तो वहाँ पे आ जाओ, तो एक सेक्टर 14 में MGF है वो भी, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे पूछते हैं वो कितने तक की दे रहे हैं, तब भी गाड़ी लो तो बेस्ट प्राइस अपना लेने की कोशिश करो ना। अब हम आ गए बड़े वाली डीलरशिप पे, ये है पीछे देख सकते हैं आप MGF टोयोटा, अब देखो लो हो रही है ना हो रही, अब तो हो गई यार, आपके हाथों में जादू है भाई। हाँ बिल्कुल, अभी भाई किसी शोरूम में चले जाओ सबका यही सेमीकंडक्टर वाला इशू तो है ही है, सेमीकंडक्टर चिप और पीछे से गाड़ियां नहीं आ रही, इवन ये फॉर्च्यूनर की बता रहे टोयोटा वाले कि जो फॉर्च्यूनर है ना वो इनकी बुकिंग ही नहीं ले रहे 4x4 की, गाड़ियां इनके पास नहीं आ रही हैं, एक पिछले महीने भी एक भी आई, इस महीने भी नहीं आई, और ये 8 अक्टूबर को बताओ 4x4 बना रहे लेजेंडर जबकि पिछली डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा ही है वो पूछने गए हैं, अवेलेबिलिटी है तो देखते हैं यार क्या, ये गाड़ी लेने में बड़ा कन्फ्यूजन का सही काम रहता है ना भाई यार, बहुत कन्फ्यूजन, एक गाड़ी लेनी है और वाके नहीं है, परेशान है, पैसा ले डोल रहे हैं सब काम पर गाड़ी नहीं मिल, लोन लान सब क्लियर है, हम तो ब्रेजा ले ही लेते, वो लोन वो सब क्लियर था, कल गाड़ी लेने के लिए रेडी थे हम तो, ऐसे उससे फ़ोन करके पूछा तो बोलता है कि भाई गाड़ी नहीं है इस वजह से, फिर हम वहाँ पहुँच ही गए, बदतमीजी से बात और करा यार, ठीक है लेनी लो ना मत लो जाओ, ये वाला स्टेटमेंट है, इसीलिए हम टोयोटा में आए, थोड़ी सी यहाँ पे अलग क्लास रहती है टोयोटा वालों की, लेकिन ये बोल रहे हैं इनके पास प्रीमियम ही है, अभी टॉप मॉडल लेना है फिर इसका, देखते टॉप मॉडल ले लेती हूँ यार, टॉप ले लो यार, क्या है कितनी 4-5 की स्टोर चली जाएंगी, मज़ा तो आएगा पूरा जिंदगी, टॉप का मज़ा रहेगा। अच्छा यस राइट यार, कोई कंपनी कुछ तो दे ही रही है टॉप में, जब तो दे रही है भाई, कौन कहता है पैसा नहीं है लोगों के पास, पैसा नहीं है यार, किसी भी शोरूम में चले जाओ आदमी दिख नहीं रहे, अब देखो यहाँ आए हम, यहाँ भी कि किसी भी उसमें महिंद्रा वाले में गए हुआ में भी यही हाल लगा डी किया, तो खैर उसमें बहुत लोग कहेंगे सोनेट उसमें जाएंगे 6 महीने के लिए, टाटा वाए वाए पैसे ले लो 6 महीने बाद आना, सोनेट सेल्टो इतनी वेटिंग है यार,
किसी भी शोरूम में चले जाओ, सब पे वेटिंग है, हर गाड़ी पे वेटिंग है, कोई गाड़ी नहीं है जो मिल जाए तो है। ये हाल है वैगन आर एस सीएनजी, उस पे वेटिंग मतलब। उस पे तो वो वाला शोरूम वाला भी कह रहा पहले किट लेनी पड़ेगी तब जाके ही मिलेगी गाड़ी, एर्टिगा और वैगन आर पे दो गाड़ी ऐसी हैं। हाँ सर पड़ता है लोगों पे वो पैसे वाले, पैसे वाली हैं आज भी। हमें गाड़ी क्यों नहीं दी, क्योंकि हमें रेट देते उन्होंने कम के, बहुत कम के, कम के। अब वो वही गाड़ी ज़्यादा रेट पे आगे बिक रही है उन्हें। सही कह रहे हो, इसी वजह से वो रेट दे नहीं रही है, हमें गाड़ी मना कर रही है। हाँ नहीं, वैसे तो नहीं कह सकते कि हम गाड़ी नहीं दे रहे, इसीलिए हो रहे वेट करो वेट करो। यहाँ के सेल्समैन भी बढ़िया हैं भाई, वैसे टोयोटा के पूरी नॉलेज है सब कुछ, पर इन ये ऐसे पागल बनाते हैं कि टोयोटा बेहतर है उससे, मारुति से, पर है नहीं मतलब सेम ही गाड़ियाँ हैं, लोगों का ही डिफरेंस है। ये बोलते हैं हमने अपना इंजन दिया है, उनको अपनी टेक्नोलॉजी दी है, तो वही पागल बनाने वाला सिस्टम है। खैर अभी मैं आपको बताता हूँ भाई, इनके पास जो मॉडल है ना वो है ये प्रीमियम टॉप मॉडल 1140 की है, लेकिन उन्होंने बोला है कि 1095 में किसको दे देंगे डिस्काउंट वगैरह करके। ये शोरूम प्राइस है RTO HSRP और फास्टैग 1500, ये अपना इसका इंश्योरेंस है, RTI रिटर्न टू इन्वेस्ट जिसमें सब कुछ होता है। ये लॉजिस्टिक चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं तो इससे कम करने की कही, तो इसने 1095 ही बता रहा है ऑन रोड दे देगा इसको। तो अभी देख रहे हैं भाई क्या सीन बनता है। ये आती है, ये हमने लगाई है, ये हमने लगाई है, ठीक है सर, ये डोर वाइजर हमने लगाई है, आपने लगाई होगी, कौन सा हाँ ऊपर वाली, ठीक है सर, ये क्रोम हमने लगा रखे हैं, ये हमने लगा रखा है, ये हमने लगा रखा है अंदर, ये सिल्वर गार्निश हमने करी हुई है, सीट में हमने करा हुआ है, ये हमने करी है जी। स्टॉक यार्ड में गाड़ी है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, कल कम से कम 70 गाड़ियों की डिलीवरी है, कल पहला नवरात्रा है सर, और इस महीने तो एक भी गाड़ी इसके अलावा ये UC हम दे ही नहीं पाए, कोई नहीं दे पाएगा जी। भैया देखो गाड़ी सेम है, वो ना प्लेटफॉर्म हमने यूज करा हुआ है, कोई भी कंपनी अगर अपना ब्रांड नेम, टोयोटा जैसी कंपनी अगर जिसमें ब्रांड लगा रही है ना ठप्पा अपना, कुछ सोच के लगा रही है, वारंटी दे रही है, कुछ सोच के दे रही है, जब हमने सारी चीज़ें चेकअप करी है टोयोटा ने, तब जाके टोयोटा ने गाड़ी ली है, तब जाके टोयोटा ने आगे आने वाले समय में और गाड़ियाँ आएंगी हमारे पास। अच्छा, मारुति की सारी गाड़ियाँ, क्योंकि उनके पास ना आगे टेक्नोलॉजी नहीं है, सुजुकी के पास कोई भी चीज़ें चेंज ओवर होंगी वो गाड़ी में कुछ नहीं कर सकते, वो खाली इंडिया के अंदर है, टोयोटा ग्लोबल है, टोयोटा के अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, टोयोटा के अंदर डीजल की टेक्नोलॉजी है, टोयोटा के अंदर पेट्रोल की है, उनके पास नहीं है, वो कोई अपग्रेड नहीं कर सकते, तो मतलब वो टोयोटा से ही ले रहे हैं, टोयोटा टेक्नोलॉजी सारी टोयोटा पे डिपेंड है। अब जो भी आगे कोलैबोरेशन होगा, अगर कोई और टेक्नोलॉजी कुछ आती है वो साथ मिक्स होके आएगी। अरे वाह क्या स्टॉक यार्ड है, सारी गाड़ी खड़ी है, लेजेंडर खड़ी, वो तो खड़ी तो है, फॉर्च्यूनर खूब खड़ी है गाड़ी, डिलीवरी के लिए और छत पर खड़ी कर रहे हैं, बताओ गाड़ी ने फुल और यूज कर रहे हैं। अरे ये गाड़ी लेनी है यार, फॉर्च्यूनर देगी भाई, नासू लग रहा है गाड़ी, ले ले तेरे साथ यार, हमारा शौक है जाएगा, लेंगे अभी पैसा ना खड़ी तो है यार, आप बेस मॉडल जी तो भाई, ये रही ना जी, ये रही, ये तो बेसिक है जी, खड़ी तो है आपके पास, सबसे छोटा मॉडल है, खड़ी तो है, जाने वाली है कल से, तभी मंगा रखी है सारी गाड़ियाँ। तो वैसे सर ये फोर्ड जाने के बाद नहीं, हमें कुछ तो बहुत हुए होंगे, नहीं हो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पहले भी वही था हमारा, आज वही, ये कॉन्फिडेंस कि हम तो ऐसे ही बेच देंगे, उससे कंपटीशन कहाँ, 2 लीटर का इंजन है, 2100 cc का इंजन है, ये 2800 cc, कोई कंपटीशन ही नहीं था, हमें फर्क नहीं पड़ता, देखो हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं होती तब वहाँ जाती थी, तो इसके अंदर। अच्छा सही है, सही है, सबसे नीचे लो मॉडल है क्या ये? हाँ जी, 2099 रुपये की सारी पूरी, हाँ ये पूरा फ्रंट वाला है, 2499 प्लस 2893, ये 10,000 रुपये की एसेसरी देंगे ही देंगे ये कह रहे हैं, मतलब इनके कंपलसरी होता है, तो वही एसेसरी उसके रेट बता रहे हैं अपनी को, पूरी दुनिया के अंदर मारा मारी है, वो थाईलैंड से आती है, मैन्युफैक्चर का अलग अलग है, हमारे पास 3-4 मैन्युफैक्चर है, भाई बोल रहे हैं कि ये प्राइस 1085 बस आज के लिए, 10,000 का हमने कटवा दिया एक्सेसरी, जो दूसरे डीलर का बोला तो इसने काट दिया, हम दूसरे डीलर से ले लेंगे, तो कह रहा 1085 आज के लिए प्राइस है, आज बुक कर दो, ना तो फिर बढ़ जाएंगे प्राइस, और गाड़ी मिले ना मिले वो भी अश्योरिटी नहीं है, हम कुछ तू तेरी आदत है खाने की, समझ में ना आवा बात, अभी रेट वेट इससे पूछ लिए भाई, और ये बोल रहा था बुकिंग करवा दो, लेकिन हमने नहीं करा क्योंकि बुकिंग से हमारा उठ चुका है विश्वास, पहले करवा दी बुकिंग कुछ पाया, कुछ हर जगह बुकिंग करवा दोगे, जिस दिन होगा कैश हैंड में उस दिन ले जाएंगे,
क्यों ही इतना गर्म खा रहे हो? टॉप मॉडल की डिमांड भी कहाँ है? कौन ले रहा है टॉप मॉडल यार? चलो अभी हम नेक्स्ट डे 36 टोयोटा में भी आए थे फरीदाबाद, यहाँ पे देखते हैं और भाई डील मिल पाती है नहीं ना बनी भाई वहाँ पे डील, वो और भी ज्यादा महंगा दे रहा था, उसके पास कार भी नहीं थी और रेट भी हाई फाई थे एकदम। अभी नेक्स्ट शाम और हो गया है भाई, एक गाड़ी एस्क्रॉस देखने बजट देखने के लिए, लेकिन बिल्कुल पसंद नहीं आई, जितने में उसका बेस मॉडल उतने में तो इसका ब्रेजा का वो आ जाएगा टॉप। ठीक है अगर हमें वहां से मिल जाती जो हमने बुक कराई थी, फाइनेंस वाले अपनी जल्दी है, जल्दी कर उनका फोन दे फोन अल्लाह फोन करे। अब आए हैं गाड़ी देख रहे हैं कोई ना कोई सी, लास्ट ऑप्शन हमारे पास किया गाड़ी ले और किया में ना जाए ऐसा हो सकता है, इधर देखेंगे सोनेट लास्ट। अब किया के शोरूम में गए थे भाई, अब आपको पता है किया में तो क्या ही हाल मिलना था, वो लोग तो ऐसे बोले कि 4 महीने की वेटिंग मिनिमम है, उनके पास कोई भी कार अवेलेबल नहीं थी, बस एक कार थी सोनेट, वो भी रेड कलर में एचटी प्लस पेट्रोल, वो भी टर्बो, तो बिल्कुल वो तो रेड कलर तो चाहिए ही नहीं, तो किया वालों का तो बुरा ही हाल है। मतलब आप ये बताओ कौन सी गाड़ी पे वेटिंग नहीं है इंडिया में, आप किसी कार पे देख लो, किसी भी कार पे वैगनार से लेके और बड़ी बड़ी एक्सयूवी 700 तक की बहुत ज़्यादा वेटिंग है हर कार के ऊपर, क्योंकि भाई सेमीकंडक्टर्स की जेन्युइनली दिक्कत है, प्रोडक्शन जहाँ 100 कार्स की हुआ करती थी पहले, अब वहाँ 40 कार्स की ही हो रही है, तो अब तो डायरेक्ट आपको डिलीवरी पे ही दिखाएंगे जो भी कार लेंगे, पर बहुत कन्फ्यूजिंग है भाई, अगर कोई कार पसंद भी करो तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि वेटिंग उस पर बहुत ज़्यादा होती है, और अगर किसी को अर्जेंट चाहिए होती है तो इंडिया में ये वाली दिक्कत है, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा ये सेमीकंडक्टर्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तब ये भी प्रॉब्लम वेटिंग वाली सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसके बाद अब कोई कार फाइनली ढूंढ ढांड के सीधे लेके ही आएंगे, इसके बाद अब और नहीं ढूंढनी क्योंकि हम भी थक चुके हैं, सब कार्स देख ली भाई। और हाँ इंडिया में बुकिंग्स का कोई ऐसे मना समझे कि बुकिंग मतलब कि आपकी कार आपकी पक्की हो गई, वो आप अपनी सहूलियत के लिए लगा सकते हैं कि भाई मैंने अपने एंड से करवा दिया, बाकी डीलर्स को कोई वो नहीं पड़ता बुकिंग से, क्योंकि वो अगर आपने बुकिंग करवा भी रखी है ना तो अगर कोई और उनके पास कैश लेके बैठता है तो उसको गाड़ी दे देते हैं अगर उनके पास कार अवेलेबल है, और आपको फिर बोल देंगे कि अभी और टाइम लगेगा। ये चीज़ तो हमने जान ली, इंडिया में ये चीज़ चलती है, तो बुकिंग तो ऐसे ही है, हमने तभी अर्बन क्रूजर की वहाँ पे बुकिंग भी नहीं करवाई थी गुड़गांव में, ना आज करवाई कहीं पे भी, तो बुकिंग तो ऐसा ही है, कैश हो जाए में बस और कार आपकी अगर उनके पास है तो। चलो भाई वीडियो में आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।